हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर वेल पोटेंशियल। स्क्वायर वेल पोटेंशियल में हम प्रीवियस वीडियो में क्या क्या कर चुके हैं, हम उसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर चुके हैं और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट कर लिया था इक्वेशन 17 और 18 में, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट कर लिया था इक्वेशन 19 और 20 में। ठीक है, अब हम आज डिस्कस करेंगे कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन मतलब पूरा जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल हो गया उसके क्या कंक्लूजन्स हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन्स ऑफ स्क्वायर वेल पोटेंशियल मतलब इस पूरे उसको हमने पढ़ तो लिया, लेकिन हम इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा लास्ट हमारा जो निकला था, हमने जो आर निकाला था और जो टी निकाला था, उसमें हमने क्या देखा था कि R प्लस टी की वैल्यू जो है यानी कि जो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट है और जो ट्रांसमिशन कोफिशियंट है, इनकी टोटल वैल्यू 1 मिलती है। इसका मतलब यह है कि जो कम्प्लीटली जो वेव प्रोपोगेट हो रही है उसमें आंशिक तो क्या होगा परावर्तन, और आंशिक क्या होगा पारगमन, मतलब उसमें पार्शियली रिफ्लेक्शन भी इंक्लूडेड होगा और पार्शियली ट्रांसमिशन भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन फिर ये आती है बात कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो जाने चाहिए, ट्रांसमिट हो जाने चाहिए, है ना, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहती है कि सारे के सारे ट्रांसमिट हो जाने चाहिए, एक्स इज इक्वल टू जीरो या एक्स इज इक्वल टू ए, जो पार्टिकल आ रहे हैं वो ई ग्रेटर देन वी नॉट के आ रहा है, ये जो है हमारी डेप्थ ये वी नॉट है, तो इस वी नॉट से ऊपर ऊपर पार्टिकल जा रहे हैं, तो सारे के सारे पार्टिकल क्या हो जाने चाहिए, ट्रांसमिट हो जानी चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि सेकंड रीज़न में, ये सेकंड रीज़न है, ये फर्स्ट रीज़न है और ये थर्ड रीज़न है, सेकंड रीज़न की कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ की वजह से आने वाले पार्टिकल सभी ट्रांसमिट नहीं हो पाते, कुछ रिफ्लेक्ट भी होते हैं, और उसको हमने सिद्ध भी कर दिया कि उसमें आर प्लस टी की वैल्यू 1 मिलती है, रिफ्लेक्शन है तभी तो आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 मिली है, मतलब इसमें पार्शली रिफ्लेक्शन भी है और पार्शली ट्रांसमिशन भी है। समझ में आ गई बात, तो एक चीज़ तो यहीं से निकल करके आती है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंडिकेट्स दैट, दिस मतलब ये आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स दैट देयर विल बी पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन इवन फॉर ई ग्रेटर देन वी नॉट, यानी कि ई ग्रेटर देन वी नॉट होते हुए भी क्या होगा, यहाँ पे आंशिक परावर्तन और आंशिक पारगमन होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स देयर शुड बी 100% ट्रांसमिशन एंड नो रिफ्लेक्शन ड्यू टू, किस लिए ऐसा उसने कहा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स की एनर्जी वी नॉट से ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू चिरसम्मत यांत्रिकी क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से सारे पार्टिकल्स का क्या हो जाना चाहिए, पारगमन 100% ट्रांसमिशन हो जाना चाहिए, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी क्या कहती है कि ऐसा नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स देयर विल बी बोथ ट्रांसमिशन यानी कि रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ड्यू टू डिसकंटिन्यूटीज इन सेकेंड रीजन। सेकेंड रीज़न में जो असांतत्यताएँ हैं उनकी वजह से सेकेंड रीज़न में क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन क्या कहता है, वो तो सिंपल है कि इफ़ इनर्जी ऑफ पार्टिकल्स E इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आने वाले सभी पार्टिकल्स की एनर्जी जीरो होगी तो क्या होगा, सॉरी ट्रांसमिशन क्या होगा, जीरो। ऑब्वियस ही बात है, आने वाले कणों की ऊर्जा ही नहीं है तो ट्रांसमिशन तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ट्रांसमिशन तो क्या होगा, जीरो ही होगा। हम ये नहीं कह रहे कि रिफ्लेक्शन 1 होगा,
यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देना, जब पार्टिकल्स की एनर्जी जीरो है तो हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन वन होगा, बट हम ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, मतलब ट्रांसमिशन तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि पार्टिकल की एनर्जी अगर जीरो है तो ट्रांसमिशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर क्या हो जाए, इफ इन इक्वेशन, कौन सी वाली, हमने जो ट्रांसमिशन की इक्वेशन निकाली थी ना, हाँ इक्वेशन 20, इन इक्वेशन 20 क्या हो, K1A, इक्वेशन 20 में K1A आ रहा है ना, इक्वेशन मतलब टी हमने ट्रांसमिशन कोफिशियंट निकाला है, ये जो इक्वेशन 19 है उसमें K और K1 की वैल्यूज रख करके, तो हमने ये जो निकाला है इसमें अगर K1A क्या हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई डैश 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 हो, है ना, ये पाई 2 पाई 3 पाई होने का मतलब ये है, दिस मीन्स दैट width of square well is such that, आप देखो ना यहाँ पे ये जो स्मॉल ए है ये क्या है, विड्थ है, तो ए की वैल्यू क्या क्या आएगी, अगर ये पाई 2 पाई 3 पाई होगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ये मैंने पिछले उसमें भी आपको बताया था किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि के बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, के इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 2 पाई बाई लैम्डा, तो के वन इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा 1, और के वन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको किसके बराबर लिख रहे हो, अगर शुरुआत की वैल्यू ले लूँ मैं पाई, मतलब के वन ए इज इक्वल टू पाई है, पाई से पाई कट जाएगा, लैम्डा वन इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, लैम्डा वन नहीं ए इज इक्वल टू कितना आएगा, λ1/2 आएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अगर के वन ए इज इक्वल टू पाई 2 पाई 3 पाई, मतलब ये क्या हो, पाई के पूर्णांक हो, इंटीजर मल्टीपल हो, तो उस केस में जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल की विड्थ है स्मॉल ए वो इस तरीके से होगी, किस तरीके से होगी, अगर ये पाई होगा तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, λ1/2, अगर आप 2 पाई रखोगे, इसको 2 पाई के इक्वल रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 2λ/2 आएगी, 2λ1/2 आएगी, इसी तरीके से आगे जाओगे तो 3λ/2, आप ऐसे रखते जाना यहाँ पे, ये फॉर्मूला तो यही रहेगा, यहाँ पे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई रखते जाना यहाँ पे, तो ये वैल्यूज़ आती जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये के वन ए की वैल्यू पाई के इंटीजर मल्टीपल होगी तो जो विड्थ है आपकी स्क्वायर वेल की, ये जो विड्थ है स्मॉल ए, इसकी वैल्यूज़ कैसी आएंगी, λ1/2 आएंगी, दिख रहा है ना आपको, λ1 जितने भी आ रहे हैं उनकी 1/2, 2/2, 3/2, आगे जा करके 5/2, इन सभी की कैसी आएगी, वो अर्धपूर्णांक आएगी, अर्धपूर्णांक गुणा जाएगी, समझ में आ रही है बात, तो आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू दिस। ठीक है, वहाँ पर आप बता दोगे वेयर λ1 कितना है, 2π/K1, ऑब्वियसली बात है, जब आप K1 = 2π/λ1 लिख रहे हो तो λ1 को मैं 2π/K1 नहीं लिख सकती क्या। ठीक है, ये क्या है λ1, क्या है λ1, है सेकेंड रीजन में जो पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है, हमने कहा था डी ब्रोगली तरंग क्या होती है, डी ब्रोगली तरंग होती है, हमने कहा था कि जैसे हमें पता है कि शुरुआत में यही पता था ना कि कण की एक ही नेचर होती है, कौन सी, मतलब तरंग जो होती है वो कण प्रकृति प्रदर्शित करता है, शुरू में यही पता था हमें, लेकिन बाद में ये पता चला था कि न सिर्फ तरंग कण प्रकृति प्रदर्शित करता है बल्कि कण भी तरंग प्रकृति दिखाता है, यानी कि हर वेव की दो नेचर होती है, एक वेव नेचर तो है ही, साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी होती है, तो जब डी ब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस दी थी वहीं से पार्टिकल की ड्यूअल नेचर के बारे में पता चला था कि पार्टिकल वेव नेचर भी दिखाता है और पार्टिकल नेचर भी दिखाता है, सेम वैसे ही वेव भी वेव नेचर भी दिखाती है और वेव पार्टिकल नेचर भी शो करती है, समझ में आ गई बात। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि जैसे तरंग कणों से मिलकर बनी होती है, सेम वैसे ही जब कोई कण मूव कर रहा होता है तो उससे एसोसिएटेड भी एक वेव होती है, उसी वेव को हमने क्या नाम दिया था, डी ब्रोगली तरंग, और उस वेव की जो तरंग दैर्ध्य होगी उसको क्या नाम दिया था, डी ब्रोगली वेवलेंथ, यही तो बताया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में। तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे सेकेंड रीजन में, पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ कितनी है, λ1, समझ में आ गई, किस रीजन की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड रीजन में, हम क्या कहेंगे, दिस इज the wavelength of the associated wave of particles in region second, यानी कि दूसरे region में जो कण है उनसे संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य है ये कौन, λ1, समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा,
अगर के वन ए पाई, टू पाई, थ्री पाई हो जाएंगे, तो आप ही बताओ ना कि साइन के वन ए क्या होगा। देयर फोर साइन के वन ए, अगर साइन की सारी वैल्यू पाई, टू पाई, थ्री पाई यानी कि पाई की इंटीजर मल्टीपल होती है, तो हम तो पहले से ही जानते हैं कि साइन के वन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और इसकी वैल्यू अगर ये चीज़ ये टर्म जीरो हो गई तो टी क्या मिलेगा हमें, वन मिलेगा। देयर फोर टी इज इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या होगा कि हमें कम्प्लीटली क्या मिलेगा, ट्रांसमिशन यानी कि वहाँ पर रिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। यानी कि इसके कहने का मतलब ये था कि अगर कण अपनी मर्जी से आ रहे हैं है ना, तब तो क्या होगा कि सेकेंड रीजन में रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा। यानी कि अगर कोई ऐसी कोई मैचिंग नहीं है वेव्स की, कैसे भी आ रहे हैं अगर पार्टिकल, तो उस केस में तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है, ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के सवाल का जवाब किसने दिया फिर, क्वांटम मैकेनिक्स ने। मतलब ऐसा कब होगा कि ट्रांसमिशन कम्प्लीटली वन आएगा, तो उन्होंने बताया कि अगर सेकेंड रीजन में जो वेव है उसकी वेव लेंथ जो है, पार्टिकल जो है उससे एसोसिएटेड वेव की जो वेव लेंथ है, अगर वो कैसी हो जाए, टू पाई बाई के वन हो जाए, या विड्थ जो है इसकी वो कैसी हो जाए, लैम्डा वन इनकी वेव्स की कैसी हो जाए, हाफ इंटीजर मल्टीपल हो जाए, तो उस केस में सिर्फ क्या होगा, टी इज इक्वल टू वन, यानी कि ट्रांसमिशन क्या होगा, कम्प्लीटली ट्रांसमिशन होगा, यानी कि 100% ट्रांसमिशन होगा। बात समझ में आ गई। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो हर चीज़ के बारीक पहलू को पकड़ती है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स सरसरी तौर पर चीज़ों को देखती है। ये अंतर आता है क्लासिकल में और क्वांटम में। तो हर चीज़ के पीछे का रीज़न कौन ढूंढती है, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। इसीलिए ये डिफ़िकल्ट पड़ती है, जबकि क्लासिकल में सरसरी तौर पर तथ्यों को जांचा जाता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, पढ़ने वाले को भी दिक्कत नहीं आती, पढ़ाने वाले को भी नहीं आती। ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करती क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स तथ्यों को डीपली स्टडी करती है, ठीक है। चलो अब जो थर्ड पॉइंट आपको समझ में आया, ऐसा ही एक पॉइंट हमने हमारा जो पिछला टॉपिक था रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर उसमें भी हमने देखा था, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ ये कहता है कि अच्छा यहाँ पे ट्रांसमिशन वन होगा, आर क्या होगा, जीरो, यानी कि रिफ्लेक्शन जीरो होगा, ठीक है। इसको हम पूरे को लिख भी देते हैं, ठीक है। देयरफोर व्हेन द वेवलेंथ ऐसे लिखो, देयरफोर व्हेन द विड्थ ऑफ स्क्वायर वेल यानी कि स्मॉल ए इज हाफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स इन सेकेंड रीजन, then there will be 100% transmission, no reflection। यानी कि जब स्क्वायर वेल की चौड़ाई किस तरीके से हो, कण से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य की अर्ध पूर्णांक गुणज हो, तो उस केस में ट्रांसमिशन वन होगा और रिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो, ठीक है। फोर्थ क्या होगी, फोर्थ भी सिंपल सा ही है। फोर्थ ये कहता है कि अगर पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, है ना, इफ इंसीडेंट पार्टिकल इज वेरी मच हाई दी वी नॉट, यानी कि ई इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन वी नॉट, देन ऑल्सो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, हम इक्वल्स टू वन तो नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं दैट विल बी टेंड्स टू वन, ठीक है। हम ये कह सकते हैं देयरफॉर अगर ई टेंड्स टू इन्फिनिटी है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में टी टेंड्स टू क्या होगा, वन होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो गई है तो उस केस में भी आपका क्या होगा, ट्रांसमिशन वन होगा। फिफ्थ कंक्लूजन ये कहता है कि शुरुआत में जब पार्टिकल की एनर्जी बहुत कम है तो देयर विल बी ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन बोथ, एनर्जी बढ़ाओगे तो भी ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन बोथ होंगे, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल्स की क्या होती जाएगी, एनर्जी को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, दोलन करते हैं, यानी कि ऑसिलेशन करते हैं, और आर प्लस टी की वैल्यू क्या मिलती है,
वन मिलती है। तो ये आर प्लस टी इज इक्वल टू वन मिलने का रीज़न क्या है कि आप एनर्जी को धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, तो देर विल बी ओसिलेशन, यानी कि इनके बीच में फ्लक्चुएशन होगा, किस किस के बीच में, आर और टी के बीच में। लेकिन एक टाइम पर आकर जब आप एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे तो टी की वैल्यू वन हो जाएगी और रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि वैन द इनर्जी इंक्रीजेज, वैन द इनर्जी इंक्रीजेज इंक्रीजेज ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे बढ़ाई जाती है ग्रेजुअली, देन देयर विल बी फ्लक्चुएशन, देयर विल बी फ्लक्चुएशन बिटवीन आर एंड टी, एंड वी विल गेट आर प्लस टी इज इक्वल टू वन। बट वैन ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वी नॉट, देन टी टेंड्स टू वन एंड आर टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, अगर आप ग्राफ भी बनाओगे ना एक टी के बीच में और ई अपॉन वी नॉट के बीच में, तो ये इस तरीके से मिलता है ना, पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे आगे जा करके, ये टी और ये। अब आप सोचोगे कि ये फ्लक्चुएशन टी में कैसे मिले, आर और टी में फ्लक्चुएशन मिलेंगे वो ठीक है, लेकिन इसमें ये पीक वगैरह कैसे मिलती है टी में, तो इसका जो रीज़न है वो अपन देंगे कल, किसके अंतर्गत, रेजोनेंट स्कैटरिंग, यानी कि अनुनादी प्रकीर्णन में शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है, जो आपके छोटे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कंक्लूजन्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, स्क्वायर वेल पोटेंशियल के सारे पाँचों कंक्लूजन्स हमने डिस्कस कर लिया है। कल हम देखेंगे क्या, रेजोनेंट स्कैटरिंग, और इस टॉपिक की विदाई करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।